पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हेयर स्टाइल चेंज करके रचना की पर्सनालिटी को एक नया लुक देने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रचना की चाहत को बरकरार रखते हुए उसे फेयर कलर दिया जाएगा इस एपिसोड में। किस तरह, आइए देखते हैं। देखा रचना कितनी ब्यूटीफुल लग रही है अपने हेयर कट के साथ, एग्जैक्टली लाइक कैटरीना कैफ। लेकिन अब बाकी है मेकओवर में इज द मेकअप। वह रचना को चाहिए कि मैं उन्हें गोरा बनाऊं, तो देखिए कि हम रचना को कैसे गोरा बनाते हैं, राइट रचना? या श्योर। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मेकअप। सो आर यू एक्साइटेड? अपने आप को आप गोरा देखोगे, राइट? सबसे पहले हम इनके फ्लॉज छुपाएंगे। जैसे आपके फेस में थोड़े बहुत फ्लॉज हैं, आपका डार्क सर्कल्स, आपके अपलिप एरिया थोड़े से डार्क है, तो हम उसे येलो बेस से पहले कवर करेंगे। येलो बेस क्या होता है? एक्चुअली जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है और उनको हम बहुत लाइट मेकअप करते हैं, तो उसके लिए हम सारे फ्लॉज को येलो बेस से छुपाते हैं। या फिर आप लाइट अपने आपके शेड कलर का लाइट शेड भी यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ येलो, बट बिकॉज हमें टीवी में मेकअप करना है इसलिए हम येलो बेस लाते हैं, या प्रोबेबली आपकी ब्राइड्स होगी तो मोस्ट ऑफ दैट यू हैव टू यूज़ अ येलो कलर बेस। तो हम सबसे पहले आपके जो येलो बेस जो हमने कंसीलर किया है उसको हम अच्छे से मर्ज करेंगे। अब हम आपके फेस पे आपके शेड से डबल शेड लाइटर कलर लेंगे, बेस लेंगे। तो उसके लिए आई एम यूजिंग अ वेरी लाइट बेस जो आपके फेस पे बहुत ही ब्राइट लगेगा। नॉर्मली जो आज हम आपको लुक दे रहे हैं इज नॉट योर कलर, ये सिर्फ आपके लिए है कि आप देखना चाहते हो कि आप कितने फेयर लगने वाले हो, राइट? तो इसीलिए हम बहुत लाइट शेड यूज़ कर रहे हैं। मैं सबको कहना चाहूँगी जब आप नेचुरली कहाँ जाते हो लाइक कोई पार्टी में, तो इतना लाइट ना करें, ये सिर्फ ये लुक के लिए है। वैश रचना वॉन्ट्स टू सी कि वो फेयर कैसी दिखती हैं, राइट रचना? या श्योर। तो दिस विल बी लाइक वेरी वेरी लाइट और आपका स्किन ऐसा लगेगा कि आप कितने फेयर हो गए हो, और वो भी एक ही दिन में। एक्चुअली मेकअप थोड़ा चैलेंजिंग होता है जब आपको यू नो कलर चेंज करना पड़ता है। आपने काफ़ी देखा होगा कि मूवीज़ में, श्रीदेवी की मूवीज़ में, या आप जैसे रेखा है वो कितने डार्क थे, लेकिन जब वो मेकअप करते हैं वो बहुत ही लाइट कलर लगाते हैं। और ये लाइट कलर जो हम लगाते हैं इट हैज़ टू बी ऑन द फुल स्किन, जो आपका आप जो भी कपड़े पहन रहे हो उस हिसाब से आपके फेस पे और आपके हैंड्स, नेक, हर चीज़ उसका सेम होना चाहिए। तो यू हैव टू पुट दिस बेस ऑल ओवर, ठीक है? तो नाउ विल स्मज इट नाइसली। और स्मज करते टाइम ये ध्यान देना है कि बहुत बहुत टाइम लेते हुए आपको अपना बेस स्मज करना है। तो और तो आपको पहचानेंगे नहीं, बिकॉज आपका कलर जो है इट्स गोइंग टू बी रियली चेंजिंग। या राइट। मैं आपका टॉप खराब ना हो जाए इसीलिए मैं आपको एक टिश्यू लगा देती हूँ, इधर। ओके। अक्सर जब बहुत सारा फेयर मेकअप हम करते हैं तो लोगों को लगता है ओ मैं तो बहुत चौकी चौकी लगूंगी, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले हम जब बेस लगाते हैं वो आपके कलर से बहुत लाइट होना चाहिए, क्योंकि आप सडनली डार्क फीचर्स से फेयर लगेंगे। और उसके ऊपर देन वी हैव टू पुट अ पिंक बेस बिकॉज इट हैज़ टू लुक नेचुरल। अब हम इसके ऊपर पिंक बेस लगाएंगे, बिकॉज आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है तो उसको एक नेचुरल इफेक्ट देने के लिए हम थोड़ा सा पिंक कलर का बेस लगाएंगे, जिससे आपकी स्किन जो है फेयर तो लगे बट रेडिश एंड पिंक भी लगे, राइट? आपको काफ़ी डर लग रहा है कि मैं कैसी लगने वाली हूँ? एक्चुअली बिकॉज ये जो बेस है वो बहुत ही लाइट है। दिस इज स्पेशली फॉर दिस पर्पज ऑफ यू लुकिंग फेयर। श्योर आपको आपका खुद का कलर बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ फ्रेंड्स लोगों की वजह से आप गोरे बनना चाहते हो, राइट?
हमने पिंक कलर पिंक बेस जो है वो वाइट के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसको भी बहुत हल्के हाथ से स्मच करेंगे, बहुत टाइम लेते हुए, बिकॉज इट्स नॉट हर कलर। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। आप अपना पूरा टाइम लेते हुए इसे मिक्स करना, बिकॉज बिल्कुल भी पैची नहीं होना चाहिए। अच्छा है आपने इतने ही नेक की टी शर्ट पहनी है, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि जब हम फेयर मेकअप करते हैं तो फुल बॉडी को पेंट करना पड़ता है। फुल बॉडी को आपके कलर जो हमने एक अननेचुरल कलर जो आपको दिया है उससे आपको फुल बॉडी पेंट करनी पड़ती है। तो इमेजिन ही हमारी जो स्टार्स हैं बिपाशा बासु और ये सारे जो हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो सांवले हैं, इमेजिन उन्हें कितना मेकअप करना पड़ता होगा। और हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं दे आर सो हार्ड वर्किंग कि उन्हें उनके हैंड्स लेग्स जहाँ भी एक्सपोज पार्ट ऑफ दी बॉडी है वहाँ सब ऐसा ही मेकअप लगाना पड़ता है। अब हम शेडिंग करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज नोज शेडिंग। आपकी नोज थोड़ी सी मोटी है और अगर हम उसे शेप देंगे तो विल लुक वेरी नाइस एंड स्लिम। ऐसे तो मेरी नाक भी मोटी है लेकिन मैं उसे हमेशा जब मेकअप करती हूँ तो डेफिनेटली आई सी टू इट की नोज थोड़ी सी शेप हो। ओके अब आपके फेस में थोड़े से चीक्स हैं जो थोड़ा सा हम डार्क कर सकते हैं। इससे आपको स्लिमर इफेक्ट आएगा ऑन द फेस। अब हम येलो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लेंगे एंड विल जस्ट पुट इट ऑन द फेस लाइक दिस। अभी आप पूछोगे कि मैंने ये क्यों लगाया। दिस इज बेसिकली जो आपका हमने बेस किया है जो बहुत अननेचुरल लगता है बिकॉज यू नो इट्स अ लाइटर कलर, सो वी जस्ट हैव टू पुट अ पाउडर ऑन इट सो दैट इट बिकम्स नाइस एंड इट डजंट कम ऑफ। और स्टार्ट विद द नेक। ये क्या होता है? दिस इज बेसिकली शाइन, नेचुरल शाइन लाने के लिए, बिकॉज हमने जो ये मेकअप किया है आपको इट इज नॉट योर स्किन, तो अभी स्किन में शाइन भी लानी है तो दिस इज फॉर द शाइन। हाउ मच टाइम डज इट टेक ये मेकअप करने में, कितना टाइम लगता है टोटल? डिपेंड्स, अगर आपको खुद करना है तो हाफ एन आवर, अगर कोई और करता है आपके लिए तो 20 मिनट्स जो सो दैट इट गिव्स अ शाइन। अब हम आपके फेस पे वाटर डालेंगे ताकि ये जो भी हमने किया वो सेट हो जाए। क्लोज योर आइज और इसे भी हम अच्छे टाइम लेते हुए स्मच करेंगे। आपकी स्किन को टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम थोड़ा सा यू नो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू मेक इट लाइटर। नाउ हम क्या करने वाले हैं इज विल टेक अ पिंक शेड एंड विल पुट इट ऑन योर चीक्स। This will give you a natural rouge kind of a thing. ये सारा बेस के वक्त ही होना चाहिए ताकि आपकी स्किन लगे। Done. अब आपका फाउंडेशन हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि हम ये सब निकालें ताकि आप अपने आप को देख सकें कि आप कैसे लग रहे हैं जस्ट विद द फाउंडेशन। अब तक हमने आपकी आईज नहीं की है, हमने कुछ चीज़ें अब मेकअप कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ आपको बेस लगाया है। तो आप देखिए कि आप कैसे लगते हैं। आई एम लुकिंग रियली बेटर। मेरा कॉम्प्लेक्शन पहले से तो बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई रियली लाइक इट। आप फेयर हो गए हैं ना? हाँ। अब देखते रहिए आप कैसे लगते हो विद मेकअप। ओके फाइन, लेट्स सी। आप सभी ने देखा कि किस तरह हमारी एक्सपर्ट ने मेकअप से रचना के डार्क सर्कल्स को छुपाया और नोज कटिंग की, फेस कटिंग की। लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन को फेयर एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए मेकओवर अभी बाकी है। रचना की नेचुरल ब्यूटी से इंट्रोड्यूस होने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। तो देखा आपने रचना निषाद को, बनने आई थी ब्यूटीफुल और सुंदर और गोरी, और एंड में आपने देखा फाउंडेशन लगाने के बाद Her desire was complete. She was looking so beautiful just with the foundation. तो देखा आपने फाउंडेशन कैसे लगाते हैं,
सबसे पहले हम फ्लॉस छुपाते हैं येलो बेस लगा के, बाद में हम उसके कलर का कॉम्प्लेक्शन लगाते हैं फाउंडेशन के साथ। जो फाउंडेशन आप यूज़ करते हो आपके कॉम्प्लेक्शन में, हमेशा याद रखेंगे कि एक शेड ही लाइटर हो। लेकिन आपने देखा रचना के केस में हमने जो फाउंडेशन यूज़ किया है वो 2, 3 या 4 शेड लाइटर हमने यूज़ किया है, ताकि जो उसका डिज़ायर था कि मैं गोरी लगूँ वो पूरा हो सके। एक्चुअली मैं हमेशा आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप पार्टीज़ में जाओ सिर्फ एक शेड लाइटर यूज़ करें, एकदम लाइट शेड ना यूज़ करें। आज हमने जो आपको मेकअप दिखाया है वो इसीलिए दिखाया है ताकि आप ये जाने कि आप काले से गोरे पल भर में हो सकते हैं, आपके फीचर्स बहुत सुंदर लग सकते हैं। तो फिर आपने देखा किस तरीके से मैंने कटिंग की, नोज़ कटिंग की, जॉ कटिंग किया, शिमर पाउडर लगाया और शी वॉज लुकिंग गॉर्जियस। तो देखा आपने कि रचना निषाद वॉज लुकिंग फेयरर देन यूजुअल। तो इसी के साथ मैं रचना शर्मा आप सबसे बहुत प्यार भरा विदा लेती हूँ। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। धन्यवाद।